वीरू भाई अश्विन है हमारे दूसरे पिक, और जब आशु भाई आखिरी बारी शो पे थे उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा अब इनके नाम के सामने ऑफ स्पिनर रवि अश्विन डाल दो, जब आईपीएल में डालते हैं, नॉट ऑफ स्पिनर सॉरी कैरम बॉल रवि अश्विन, क्योंकि ऑफ स्पिन का तो इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। वीरू भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब स्टॉक डिलीवरी आपकी होती है इट्स सेकेंड नेचर, क्योंकि मतलब ये तो आप बड़े हुए उसको करते करते, तो आपने परफेक्ट किया है, सो देन व्हाई डू यू वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम इट और उसको लिमिट कर देते हो इतना? यार ऑफ स्पिनर की सिंपल सी थ्योरी रहती है कि उसको डर लगता है छक्के से, कोई भी ऑफ कितना भी बड़ा हो। मुरलीधरन, मैं उनसे बहुत बातें की है मुरलीधरन से, नो इफ आई बॉल स्लो नो यू विल हिट मी सिक्स, तो वो ऐसी ही बातें कर, अश्विन भी ऐसी ही बातें करते, हरभजन सिंह भी ऐसी बात नहीं लाले मैं अगर स्लो फेंकूंगा तो छक्का मार दे, क्योंकि उनको वो छक्के का डर है, तो इसलिए वो छक्के के चक्कर में जब भी राइट हैंड रहा था वो ऑफ स्पिन डालते ही नहीं, तो वो कैरम बॉल डालते। तो मेरे ख्याल से वो जो डर है ना वो आपको दूसरे चेंजेस कराने पे मजबूर कर देता है। जैसे मुझे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से डर था, तो मैं बड़ी प्रार्थना करता था अपने पार्टनर से कि भाई तू स्ट्राइक ले ले, क्योंकि लेफ्ट आर्म ने अगर पहली बॉल ठिकाने में डाली है तो मैं बोल्ड था एलबीडब्ल्यू। तो ऐसा मैं बहुत बार ही किया मैंने कि दादा को या सचिन तेंदुलकर को, जब गौतम गंभीर मेरे साथ ओपनिंग करने आया तब थोड़ा मैं रिलैक्स हुआ कि अब वही स्ट्राइक ले रहे हैं हर बारी, तो शायद पहला ओवर तो निकल जाए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का। तो मेरे ख्याल से वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो सभी ऑफ स्पिनर के साथ रहता है। मैं भी ऑफ स्पिन करता था तो मुझे मालूम है कि जहां मैंने हल्की डाली तो मुझे छक्का पड़ना ही पड़ना है, तो उस चक्कर में तेज भी डालते हैं और फिर अगर उनके पास वेरिएशन आ जाते हैं, चाहे वो लेग कटर हो, दूसरा हो या कैरम बोर्ड हो, फिर उस पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। सरप्राइजिंग वीरू भाई, क्योंकि जिन जिन नाम आपने लिए और आपने अपना नाम भी लिया है, ये मतलब ऐसा नहीं कि 2 साल से क्रिकेट खेले हैं या 3 साल से क्रिकेट खेले हैं, 10-15 साल बाद भी सोच ऐसी होती है? बिल्कुल, मैं तो आपको मुरलीधरन 2010-11 की बता रहा हूँ, वर्ल्ड कप के टाइम पे, तो वो तो हमें हमारी इंडियन बैटिंग में, तो यू हैव धोनी, युवराज, गंभीर, तेंदुलकर, सहवाग, मुरलीधरन ये वार्म अप में हमें हमारी टीम गिनवा रहे थे कि हम किस किस को आउट करेंगे वर्ल्ड कप फाइनल से पहले। तो जब आपका दूसरी टीम का मेन बॉलर अगर आपके बैट्समैनों को गिनवा रहा है या डर रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस होता है यार ये तो जीत ही नहीं सकते हमसे, क्योंकि इनकी सोच ही है कि हम किस किस को आउट करेंगे, तो वो डर रहता है। तो मेरे ख्याल से वो डर जब निकलेगा ऑफ स्पिनर, देखिए बहुत बारी जब आदमी मतलब मैं अश्विन का भी एग्जांपल, तो पिछली बार जब उन्हें लेग कटर पे भी छक्के पड़े तो उन्होंने एंड में ऑफ स्पिन ही डाली और उस पर आउट ही हुआ है, क्योंकि वो मिस टाइम हो गया डीप मिड विकेट के हाथ में हो गया, तो वो सोच बदलनी होगी, ये तो बड़ा ग्राउंडर यहाँ तो स्पिन होगी या तो मदद मिलेगी, यहाँ तो बॉल बैट पे आता नहीं है, तो यहाँ बल्लेबाज के छक्के मारने के चांसेस कम है और आउट होने के चांसेस ज्यादा है।